और एक बात, मेरा जो हिंदी है ये सुन के कोई बेहोश मत हो जाए प्लीज। अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो बंधुरा, তোমাদের সঙ্গে আজকে আমি একটা ভিডিও শেয়ার করছি, সেটা হলো কি বলো তো 24 ঘন্টা হিন্দিতে কথা বলা। তো এমন হিন্দি বলেছি যে মারতে ইচ্ছে করবে আর না হলে গালি দিতে ইচ্ছে করবে। তো তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, না গালি দেবে না বকবে, মানে কমেন্টে উল্টোপাল্টা কিছু বলবে না। হ্যাঁ, কিন্তু মানে এটা আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে হাসানোর জন্য বলো বা এন্টারটেনমেন্ট করার জন্যই তোমাদেরকে এটা আমি করেছি। তো চলো, আমার হিন্দি আজ এত ভালো হিন্দি যে তোমরা সিরিয়াসলি পাগল হয়ে যাবে। তো চলো আমার ভিডিওটা শুরু করছি। আপ সবাইকে মেরি এক মিনতি হে, ও হে আপ জব বাস্তব মন মে হো তো কৃপয়া করকে আপকি মন কো অবস্থা মন মে লা যাও, ক্যোকি হামারা হিন্দি বহুত হি আচ্ছা হে আর হামারে ভিডিও দেখকার আপকো কুছ হো গয়া তো উসকে লিয়ে হাম জমিদার নেই হে। কৃপয়া করকে ইস ভিডিও কো আপনি জোকি বাদ দেখে। রুকো জরা, সবর করো। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहना किचन एंड एंटरटेनमेंट। मैंने आज कुछ नया ट्राई किया, वो है 24 आवर्स हिंदी चैलेंज। आज मैं जो भी कुछ करूँगा तो हिंदी में ही बात करूँगी। ओके, तो मेरे को हिंदी नहीं आता तो मैं जो क्या आज मैं जो कुछ करूँगी तुम्हारे साथ शेयर करूँगी और तुम लोग भी बता देना मेरा हिंदी कैसा है। हमारा हिंदी बहुत ही अच्छा है, ये मेरा फ्रेंड का डायलॉग है। तो मुझे हिंदी नहीं आती, नहीं आती मतलब आती है, जब हिंदी बात कोई मुझसे करेगा या बोलेगा तो सब कुछ मुझे समझ आएगा। बोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैंने ट्राई किया। तो ये तुम लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए है, तो मैंने ये ट्राई किया है और तुम लोग बताना मेरा हिंदी कैसा है। तो अभी बज रहे हैं 8, सुबह के 8 बज गए हैं। प्रिंस को स्कूल में रख कर आई हूँ क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है। तो अभी मैं उसके लिए खिचड़ी पकाऊंगा, तो चलो मेरे साथ। तो तुम लोगों को और एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरा हिंदी जो भाषा है मैं बोलने की प्रयास कर रही हूँ, तो कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दोगे, ठीक है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक भाषा मेरा मातृभाषा है, तो हर कोई भाषा को मैं सम्मान करना चाहती हूँ और सम्मान करती हूँ। इसलिए अगर कुछ उलट पलट कर दिया तो उसके लिए सॉरी, पहले मैंने माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ली है मूंग दाल, इसको दाल ही कहते हैं हिंदी में, मेरा कॉन्फिडेंस है। और मैं यहाँ ले रही हूँ चावल क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो भी है मैंने ले लिया। और इस दोनों को अच्छे से मैं भिगो कर धो लेती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ। मैं इन दोनों चीज़ को अच्छे से धो लिया और मैं यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ली है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। उसके बाद एक आलू ले रही हूँ, उसको छोटा छोटा टुकड़े में कट कर रही हूँ, कट करके ली है और ऑयल में दे दी है। इसके बाद इसको भून लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद एक हरी मिर्च, लहसुन और प्याज डालेंगे, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों, तुम देख सकते हो कि मेरा जो आलू है और हरी मिर्च जो भी मैंने चीज़ दिए है वो सब भून गया है। इसके बाद मैं उस चावल और दाल को मैं डाल दिया है। इसके बाद इससे भी 2 मिनट के लिए नमक और हल्दी देकर इसे भून लेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने खिचड़ी पका लिया और मैं यहाँ बैठ गई हूँ प्रिंस को खाने के लिए। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, खाने क्या कहते हैं यार, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, याद आया, प्रिंस को खिलाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी खिचड़ी और एक अंडे, तो चलो फटाफट प्रिंस को खिलाऊंगी फिर। तो दोस्तों, मैंने प्रिंस को खिला दिया है
और मैंने यहाँ एक सब्ज़ी रेडी की है और एक सब्ज़ी की जो प्रोसेस है मैं वो कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर तेल डाला है, उसके बाद सारी जो मसाला है चीज़ अदरक लहसुन जीरा हर कोई चीज़ को मैं अच्छे से पेस्ट करके यहाँ दे रही हूँ और मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। इसके बाद मैं उस सब्ज़ी को डालूँगी। तो उस सब्ज़ी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बताना नहीं पा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ इस सब्ज़ी को। तो इस मसाले को भूनने के बाद मैं इस सब्ज़ी को ऐड करूँगी, फिर हम गुनगुना पानी से इसको क्या कहते हैं इसको जो सिद्ध लेंगे। उसके बाद मेरा जो सब्जियां है बनके तैयार होगा। तो चलो हम एकदम फटाक से तुमको दिखाती हूँ एकदम शॉर्ट से, क्योंकि मेरा जो वीडियो है आज का बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए तुमको क्या कहते हैं थोड़ा सा दे रही हूँ। मेरा सब्जी रेडी हो चुका है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने सब काम कर लिया, प्रिंस को खिला दिया और नहा भी दिया, और मैंने यहाँ ये थोड़ा खिचड़ी है वो बच गया, प्रिंस को खिला दिया, उसको पापा आए थे खाकर चली गई, तो अब जो बचा था वो मैं अभी खा रही हूँ। मेरा जो हिंदी है जो भी सुनेगा हंसकर मर जाएगा, हिंदी कल्चर नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बात करने में। तो आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, ये सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हो। तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करती हूँ, रोज़ ही तो मैं ब्लॉग सेंड करती हूँ, सुबह से शाम तक क्या काम करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, यही सब वगैरह वगैरह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी ट्राई किया कि मैं नया कुछ करूँ, तो ये मैंने सोच लिया कि 24 आवर्स हिंदी चैलेंज करूँगी। तो मैंने आज स्टार्ट किया, मुझे नहीं लगता कि शाम तक मैं हिंदी में ही बात कर पाऊँगी, लेकिन ट्राई कर रही हूँ। हाँ ट्राई को क्या कहते हैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं शाम तक हिंदी में ही बात करूँगी। ओके क्या करूँ मैं, हिंदी मुझे नहीं आती। और क्या करोगे, डूब के मर जाओगे। हाँ मुझे वही करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। प्लीज आप लोग कुछ नहीं सोचने का, मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया। तो दोस्तों मुझे ये नहीं हो रहा है क्योंकि 24 घंटे हिंदी बोलना, जो ब्लॉग में जब भी कोई बात करूँगी हिंदी में करूँगी, ये तो चैलेंज मैंने फिक्स्ड कर लिया, लेकिन बोलने में बहुत बहुत प्रॉब्लम परेशानियाँ आ रही हैं। तो मैं क्या करूँ, चैलेंज को यहीं पे रख दूँ? नहीं 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 रखूँगा। तो तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत बात, लेकिन हिंदी में प्रॉपर तुम लोगों को क्या बोलूँ, तुम लोगों को जो बोलना चाहती हूँ वो मैंने नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए अगेरा वगैरह बक रही हूँ। तो प्लीज़ कुछ नहीं, क्या बोलते हैं इसको, बंगाली में इतना ज़्यादा बकबक करती हूँ लेकिन हिंदी में कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, क्या करूँ। ओह माय गॉड, हम कितना क्यूट लग रहे हैं देखो तो, है ना, क्यूट है ना। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ एकदम क्यूट सा लग रही हो। असल में मैं इतना क्यूट नहीं हूँ, इसलिए कहते हैं जो दिखता नहीं वो होता है और जो होता है वो दिखता नहीं। Am I right? ये किसका डायलॉग है? हाँ KD पाठक। ओके तो हमारा डायलॉग कैसा है तुम लोग जरा कष्ट करके कमेंट में बताना। ओके अभी शाम को 5 बज रहे हैं, हम यहाँ ब्लैक टी कर रहे हैं, तो पानी उगल रहे हैं, इसके बाद मैं चाय की पत्ती डाल रही हूँ, ये देखो 2 चम्मच डाल रही हूँ, ये मेरे लिए है। तो चलो इसके
इसको छान लेती हूँ, फिर छत पर जाती हूँ। तो ये देखो दोस्तों, हम आ गए छत पर, और ये देखो मेरा ब्लैक टी, और ये प्रिंस के लिए दूध, तो मैं उसको पिला दूंगी। ये देखो दोस्तों, मैं छत पर आ गई हूँ और हमारा ब्लैक टी है, मैं इसको पीऊँगा और बाहर का जो नज़ारा है वो देखूँगा। तो शाम को छत पर उठ के बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो लगता है कौन कौन को सॉरी किसको नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मैं ब्लैक टी पीऊँगी, फिर एकदम फटाक से कमरे में चले जाऊँगी। बहुत ही गर्म है, और इतना गर्म खाने के बाद मैं जीभ क्या कहते हैं इसको जल जाते हैं, तुम समझ रही हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और एक बात मैं बोलना भूल गई हूँ कि आज बहुत बारिश हुई है, इसके लिए जो बाहर का नज़ारा है एकदम सुंदर लग रहा है। और इस समय तो हम ब्लैक टी पी रहे हैं, इसलिए और भी बहुत बहुत मज़ा आ रहे हैं हमको। तो कोई नहीं है, हम और प्रिंस है, माँ और बेटे, तो और क्या कहूँगी। अभी क्या बज रहे हैं मैंने नहीं देखा, तो जो भी बज रहे हैं हम चाय पीकर सीधा नीचे चली जाऊंगी। उसके बाद जो छोटी छोटी काम है उसको मैं पूरा कर लूंगी, उसके बाद प्रिंस को पढ़ाई कराऊंगी। तो दोस्तों मेरा छत घूमना हो गया और मैं अभी चली आई हूँ अपने कमरे में। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने जो इस चैलेंज का नाम रखा है 24 आवर्स, माने 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे, तो 24 घंटे तो मैं चैलेंज कर नहीं पाऊँगी, 12 घंटा है ये। लेकिन इसका जो टॉपिक है ये ज़रा ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसके इस चैलेंज का नाम 24 घंटे है। ओके, इसलिए आप लोग समझ रहे हो क्या 12 घंटा चैलेंज कर रहा है या 24 घंटे नाम दे रहे हैं। तो ये चैलेंज ही ऐसा है, तो रात में तो कोई वीडियो शूट नहीं करता, तो 24 घंटे कैसे करूँ आपको तो पता होगा। तो मैंने आज चैलेंज पूरा कर लिया, जो मैंने गलत हिंदी बोल दिया तो मुझे माफ़ी कर देना प्लीज़ कृपया करके। तो अभी तक के लिए मैं आप सभी को अलविदा कह रहा हूँ, आप सब लोग बहुत 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 खुश रहो, और आप सबको लिए मेरे क्या बोलूँ, आप सबको मेरी तरफ से क्यों समझना नहीं आती, कैसे समझाऊँ आपको मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो चलो, मैंने बहुत 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 ज़्यादा प्रयास किया इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, तो मैंने पता नहीं कैसा किया, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। तो आज तक के लिए बाय।